कनाडा के लोकप्रिय एवं सफल प्रधानमंत्री, मेरे परम मित्र श्री स्टीफन हार्पर जी, श्रीमती लॉरिन हार्पर जी, ओंटारियो के प्रीमियर मिस कैथलीन वीन और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको नमस्कार। मेरे पंजाबी प्रावा ते पैणा नो सत श्री अकाल। अते वसाखी दिया बहुत बहुत मुबारकां। केम छो? मैं कनाडा के प्रधानमंत्री, कनाडा की जनता, उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से कनाडा ने मेरा स्वागत किया है, सम्मान किया है, जिस उमंग और उत्साह के साथ उन्होंने अपने प्यार को प्रकट किया है, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का और कनाडा का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। लेकिन ये सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं है, ये सम्मान नरेंद्र मोदी का नहीं है, यह सम्मान 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। और कनाडा में भारत की पहचान नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाई है, कनाडा में भारत की पहचान आप सब मेरे देशवासियों ने बनाया। आपके बदौलत, आपका पुरुषार्थ, आपका जीवन मिलजुल करके सबको साथ लेकर के चलने का हमारी परंपरा, उसको आपने भली भांति यहां पर जी करके दिखाया है। कनाडा का हर नागरिक आपके प्रति गौरव अनुभव करता है, आदर सत्कार के साथ आपका नाम लेता है। और जब दुनिया के किसी भी देश में किसी भारतीय के पराक्रम की गाथा सुनते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है। और कनाडा में रहने वाले हमारे भारतीयों ने अपनी सफल कारोबार के माध्यम से, अपने सफल जीवन के माध्यम से
भारत की आन बान शान को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। इस शहर के साथ तो मेरा नाता पुराना रहा है, पहले भी आना हुआ है और तब मैं कुछ नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। तब भी शहर ने मुझे जो प्यार दिया था, इतने ढेर सारे कार्यक्रम मेरे हुए थे, इतने लोगों से मेरा मिलना हुआ था, और इसलिए आज मैं उस धरती पर फिर से एक बार आकर के नई जिम्मेवारी के साथ आज आया हूं। तब मैं यहां रहने वाले सभी मेरे भारतीय भाइयों बहनों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरा कनाडा के कारोबार से बड़ा अच्छा संबंध रहा, मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री रहा कई वर्षों तक, और मुख्यमंत्री के कालखंड में मैं एक वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट करता था। 2003 में पहली बार किया, पूरी कल्पना नहीं थी, और मैं आज गर्व से कहता हूं कि कनाडा वो देश है जो 2003 से गुजरात का पार्टनर कंट्री बना। एक डेवलप कंट्री के लिए किसी देश के एक छोटे से राज्य के साथ पार्टनर कंट्री बनना, ये निर्णय छोटा नहीं होता है, लेकिन कनाडा ने वो निर्णय किया और अब तक निभाया है। मैं इसके लिए कनाडा का बहुत बहुत आभारी हूं। मैं कल रात यहां पहुंचा, कल रात चला जाऊंगा, लेकिन कनाडा के प्यार को मैं कभी भूला नहीं पाऊंगा। आजकल तो विमान की सेवाएं इतनी अच्छी हो गई हैं कि 15, 17, 20 घंटे में आप भारत से कनाडा पहुंच सकते हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को आने में 42 साल लग गए। और ये भी बड़ी विचित्रता देखिए कि भारत और कनाडा मिलकर के स्पेस में तो प्रगति कर रहे हैं, लेकिन धरती पर कतराते रहते थे। जो बात 42 साल बीत गए उसको मैंने 10 महीने के भीतर भीतर कर दिया। क्योंकि मैं जानता हूं भारत की शक्ति और भारत की आवश्यकता कनाडा की संपत्ति और कनाडा का सामर्थ्य, इंडिया प्लस कनाडा, आप कल्पना कर सकते हो हम दुनिया में कितनी बड़ी ताकत के रूप में उभर सकते हैं। भारत को जिन जिन प्राकृतिक संपदाओं की जरूरत है, वो सारी प्राकृतिक संपदाओं की पूर्ति कनाडा से हो सकती है। मेरे हिंदुस्तान में किसान खेत में मजदूरी करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, और जब उसको फर्टिलाइजर की जरूरत होती है
तो पोटाश कनाडा से आता है। और इसलिए यहां पर इतनी प्राकृतिक संपदा है, यहां पर एक राज्य के प्रीमियर एक बार गुजरात आए थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरा राज्य ऐसा है, तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, मैंने कहा मेरे यहां हीरे की खदानें नहीं है, डायमंड की खदान नहीं है, लेकिन मेरे लोगों का कौशल्य ऐसा है, एंटरप्रेन्योरशिप में इतना दम है कि दुनिया में 10 में से 9 हीरे ऐसे हैं जिस पर किसी न किसी भारतीय का हाथ लगा हुआ हो। उनको मैंने कहा आपके पास हीरे की खदानें हैं, कच्चा हीरा मुझे दे दीजिए, मैं आपको मूल्य वृद्धि करके वापस लौटा दूंगा। और आपके कच्चे हीरे पर हिंदुस्तान के पसीने की महक दुनिया में आपकी ताकत को 4 गुना बढ़ा देगी। ये सामर्थ्य है दो देशों में, इन सामर्थ्य को जोड़ने का एक नया युग आज प्रारंभ हुआ है। आज जो हमने निर्णय किए हैं, मिल बैठ करके खुलकर के बातें हुई हैं और एक मित्रतापूर्ण माहौल में हुई है, एक दूसरे को समझने में अब हमें कोई तकलीफ नहीं है। और इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इंडिया और कनाडा का ये संसार बहुत लंबा चलने वाला है। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और मेरे मित्र श्रीमान हार्पर का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले वर्ष जब भारत में चुनाव का मौसम था, चुनाव तो वहां चल रहे थे लेकिन नारे यहां से सुनाई देते थे, नतीजे तो वहां आए थे लेकिन मिठाई यहां बांटी जा रही थी। वहां पर लोग दिन में मना रहे थे, आप आधी रात में मना रहे थे। मेरे भाइयों बहनों, 10 महीने के पहले सिर्फ सरकार बदली थी, लेकिन आज मैं 10 महीने के बाद कह सकता हूं कि जन जन का मन भी बदला है। सरकार बदली है उससे क्या होगा ये तो समय कहेगा, लेकिन जन मन के बदलने से क्या कुछ हो सकता है इसको मैं भली भांति समझ सकता हूं। हम लोग जब छोटे थे तो सिनेमा का एक गीत सुना करते थे, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उस समय एक पीड़ा थी, व्यथा की बात थी उस गीत में, मैं आज
उस गीत को नए रूप में देख रहा हूं कि इंसान बदला है। उस समय पीड़ा थी, कितना बदल गया इंसान, और मैं आज गर्व से कहता हूं कितना अच्छा बन गया इंसान। बदला है। कोई कल्पना कर सकता है? मैंने देश के गरीब भाइयों बहनों को कहा कि आप बैंक में खाता खोलिए। हमारे यहां मेरे जन्म से पहले ही बैंक तो चल रही थी, देश आजाद होने के बाद भी बैंक चल रही थी। कांग्रेस सरकार ने, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था ताकि बैंक गरीबों के काम आए। लेकिन उसके बावजूद भी 10 करोड़ से अधिक परिवार ऐसे थे, यानी करीब करीब 40% से ज्यादा जनसंख्या ऐसी थी जिनके नसीब में बैंक का खाता खोलना नहीं था। मैंने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि मुझे बैंक में खाते खुलवाने हैं, और एक जमाना था, आप भी हिंदुस्तान में रहे हैं, बैंक में जाते थे तो बैंक का अफसर नीचे से ऊपर देखता भी नहीं था। और अगर आप उसका ध्यान आकर्षित करना है की कोशिश करें तो ऐसे काटने के लिए आता, देखते नहीं हो मैं काम कर रहा हूं। इंसान भी बदल गया, बैंक वाले भी बदल गए। यही बैंक के कर्मचारी, आज मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका गर्व करता हूं कि वो गांव गांव गए, गरीब के घर गए और 14 करोड़ बैंक खाते खोले। 14 करोड़ मतलब कि करीब करीब 3 कैनेडा। और ये काम 100 दिन में पूरा किया उन्होंने, 100 दिन के अंदर पूरा किया। इंसान बदला है, भारत का जनमन जो बदला है ये उसका उदाहरण है। सरकार सिर्फ नहीं बदली है, जनमन बदला है। जब बैंक खाते खोलने की बात आई तो स्वाभाविक था कि गरीब के पास पैसे नहीं, बैंक खाता क्या खोलेगा। और इसलिए हमने कहा था कि जीरो बैलेंस से अकाउंट खोलेंगे। बैंक वालों के थोड़ा शुरू में तो ये था कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। हमने कहा क्या जाता है भाई, 2 कागज पे उनका नाम लिखना है, बैंक अकाउंट खोलना, जाता क्या है तुम्हारा। नहीं, बोले कुछ तो देना चाहिए उसने। हमने कहा क्या देना है, उसने पसीना बहाया है देश के लिए, क्या लेना है, दे दो बैंक का खाता दे दो। मैंने गरीबों को कहा था कि आपने पैसे बैंक में रखने की जरूरत नहीं, खाता खोल दीजिए फिर आगे देखेंगे। लेकिन मेरे नौजवान साथियों दोस्तों, जनमन बदला है तो कैसे बदला है। मैंने गरीब को कहा था कि तुम्हें बैंक में पैसे डालने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में खाता खोल देंगे, लेकिन गरीब की अमीरी भी तो कुछ चीज होती है। गरीब की अमीरी की भी अपनी एक ताकत होती है, और मैं आज गर्व से कहता हूं और उन गरीबों के सामने मेरा सर झुका करके उनका अभिनंदन करता हूं, उन्होंने 14,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करवाया। ये गरीबों की अमीरी, ये बदले हुए जनमन का निशानी है। देश में एक नया विश्वास पैदा हुआ है,
सरकार बदली है इसलिए सब बदलेगा, ऐसा नहीं है। बदलने का मेरा विश्वास इसलिए है कि जन मन बदला है दोस्तों। जन गण मन अधिनायक जो कहते हैं ना, वो जन मन बदला है। हमारे देश में आप जब विदेश से आते थे, एयरपोर्ट पर उतरते ही आपकी शिकायत क्या रहती थी? यार गंदगी बहुत है, सफाई नहीं है, ऐसा ही लगता था ना। हमने तय किया काम कठिन है लेकिन करना चाहिए, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा जी? जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। और आज जन मन बदला ऐसा है, हर दिन एकाध खबर तो कहीं कहीं से आती है कि फलाने बैंक के सारे एम्प्लॉई सैटरडे संडे को सफाई करने के लिए निकले हैं, फलानी कॉलेज के स्टूडेंट्स सफाई करने के लिए निकले हैं, फलाने मंदिर के सारे संत सफाई करने के लिए निकले हैं, फलाना एमएलए सफाई कर रहा है, एमपी सफाई कर रहा है। चारों तरफ कहीं न कहीं से खबर आ रही है। और मैंने देखा, आप कभी सचिन तेंदुलकर जी की वेबसाइट पर जाओगे तो उन्होंने अपना एक वीडियो रखा है। उन्होंने मुंबई में एक फुटपाथ तय की, रोज सुबह 4 बजे जाते थे अपने यार दोस्तों को लेकर के, महीने भर गए और पूरी उसकी सफाई करके उसको बढ़िया सा पार्क में कन्वर्ट कर दिया होगा, लोग आके बैठते। सरकार ने नहीं किया, नागरिक कर रहे। दो बेटियां एक नागालैंड से और एक बनारस से, दो बेटियां बनारस में इकट्ठी हुई और उनका मन कर गया काशी के घाटों की सफाई करें। और आज मैं हैरान हूं कि उन दो बेटियों ने काम शुरू किया, धीरे धीरे नौजवान जुड़ते गए और उन्होंने पूरे प्रभु घाट को साफ कर दिया। आज लोग जाकर के, विदेश के लोग वहां जाकर के घंटों तक गंगा के सामने बैठते हैं। देश विशाल है, गंदगी बहुत है, पुरानी है, वक्त लगेगा, लेकिन जन मन बदला है उसका यह उदाहरण है। हमने कहा स्कूल में टॉयलेट बनाना है, उसमें भी गर्ल चाइल्ड के लिए टॉयलेट बनाना है। लोगों को लगता है यार प्रधानमंत्री का काम होता है ये क्या, लेकिन ये थोड़ा अलग सा प्रधानमंत्री है। औरों को जो बनाना हो बना दें, मुझे तो ऐसे ही छोटे छोटे काम करने हैं। और बूंद बूंद से जैसे सरोवर भर जाता है, छोटे छोटे कामों से हिंदुस्तान की सकल सूरत बदल जाएगी, ये मेरा विश्वास है। और मेरा विश्वास है 125 करोड़ देशवासी एक कदम चले तो देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि जिसके पास पैसे हैं, सप्ताह में 2 दिन तो डिनर किसी बढ़िया होटल में करता है, 15-20 हजार का बिल दे करके वापस आता है, क्या ऐसे लोगों ने भी गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेनी चाहिए क्या? उनको शोभा देता है क्या? एमपी है, एमएलए है, मंत्री है, 400 रुपये की सब्सिडी, बोलो।
मैंने ऐसे ही बातों बातों में कह दिया कि भाई ये अच्छा नहीं लगता है, हमारे जेब में दम है तो हमने क्यों लेनी चाहिए, गरीब ले लेने, गरीब को मिलनी भी चाहिए, लेकिन जिसके पास संभावना है वो क्यों ले, और सब्सिडी से पका हुआ खाना खाना शोभा देता है क्या? मैंने सार्वजनिक रूप से नहीं कहा था दोस्तों, ऐसे ही बातों बातों में अपने साथियों के बीच बात कर रहा था, बात फैलने लगी, और बात फैलने लगी, आज भी हमारे साथियों जनमन बदला है। बदला हुआ जनमन ने क्या किया, करीब 4 लाख लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी, यानी करीब करीब देश की तिजोरी में 200 करोड़ रुपया बच गया, 200 करोड़ रुपीज। कोई हुक्म नहीं, कानून नहीं, कुछ नहीं, हर व्यक्ति को लगने लगा है कि अब देश इंतजार नहीं करेगा, देश को आगे बढ़ना है और हम बढ़ाएंगे, ये जन मन का विश्वास बढ़ा है। और मैं ये जितनी बातें बता रहा हूं वो मोदी ने नहीं की है, देश के सामान्य नागरिक ने की है दोस्तों। सामान्य नागरिक के मन में एक नया मुंह मिजाज पैदा हुआ है। एक आनंददायक घटना मैं देख रहा हूं मित्रों, और मैंने फिर पब्लिकली एक बार अनाउंस किया, पब्लिकली ऐसा कहा मैंने लोगों से, सार्वजनिक रूप से अभी 5-6 दिन पहले ही कहा है, मैंने कहा कि मेरा सबसे आग्रह है कि जिसके जेब में दम है वो गैस की सब्सिडी लेना छोड़ दें, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में लोगों छोड़ देंगे। लेकिन मैंने उनसे एक बात और कही, मैंने कहा जो लोग गैस की सब्सिडी छोड़ेंगे वो पैसा मैं सरकार की तिजोरी में नहीं डालूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जेब में डालूंगा। मैंने कहा कि जो गरीब परिवार है जिनके घर में लकड़ी से जलने वाला चूल्हा है, जहां गरीब मां लकड़ी से चूल्हा जलाती है, पूरे घर में धुआं होता है, छोटे बच्चे दिन रात रोते रहते हैं, धुएं में बैठ नहीं पाते, बीमार हो जाते हैं, मैं ये गैस सिलेंडर उन गरीब परिवारों को दूंगा। और उससे उस परिवार के स्वास्थ्य को लाभ होगा, लकड़ी जलने का बंद होगा तो जंगल बचेंगे, धुआं नहीं होगा तो पर्यावरण बचेगा, जंगल बचेंगे तो पर्यावरण में वृद्धि होगी। एक इंसान सब्सिडी छोड़ता है, कितने फायदे हो सकते हैं जिसका आप अनुमान लगा सकते हैं, और जन मन बदला है उसके कारण ये परिणाम आ रहा है। आपको हैरानी होगी, सबसे बड़ी सरप्राइज घटना बता दूं, सबसे बड़ी सरप्राइज मेरे लिए भी सरप्राइज है, लेकिन वो सुखद आश्चर्य है मेरे लिए, सुखद आश्चर्य है। एक अखबार के मालिक ने मुझे चिट्ठी लिखी है, बताइए सुखद आश्चर्य है कि नहीं है? अखबार के मालिक ने चिट्ठी लिखी है और उसने मुझे लिखा है कि मोदी जी जो मूड है देश का उससे लगता है, और हमने हमारे अखबार की एक नीति बनाई है, और वो नीति ये है कि सप्ताह में एक दिन हमारा अखबार सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज ही छापेगा। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों, मैं भले आज एक अखबार ने काम शुरू किया है, लेकिन खुद होकर के सामने होकर के कहना, और ये विचार मैंने नहीं दिया है,
अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति जी वो बार बार कहते थे कि पॉजिटिव न्यूज का कॉलम बनाइए, मैंने कभी कहने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन मुझे खुशी हुई कि बदले हुए जनमन कहां कहां उसका फैलाव हो रहा है, कैसे बात पहुंच रही है, उससे लगता है कि देश आप जिन सपनों को लेकर के जीते हैं, आप ही की आंखों के सामने वो सपने साकार होते हुए आप देखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना है। हमारे देश में कई समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान एक ही जड़ी बूटी में है। सब दुखों की दवाई एक ही जड़ी बूटी है। वो जड़ी बूटी मोदी नहीं है, वो जड़ी बूटी, उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। हमारी सभी समस्याओं का समाधान है कि हम देश में विकास के एजेंडा पर आगे बढ़े, हम विकास करें। और मैं बताता हूं भाइयों बहनों, भारत के अंदर ताकत है, सिर्फ अवसर चाहिए, अवसर चाहिए। पिछले 10 साल में हमारे देश में प्रतिदिन एवरीडे जो रोड का कंस्ट्रक्शन होता था वो 2 किलोमीटर होता था पर डे, और पिछले 10 महीने से पर डे 11 किलोमीटर होता है। यानी आप देख सकते हैं कि विकास 11 है, यानी मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा, लेकिन तुलनात्मक रूप से पता चलेगा कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, विकास का रास्ता ही देश को आगे ले जाएगा। आप कल्पना कीजिए, भारत के पास आज कौन सी बड़ी संपत्ति है? मेरे नौजवान साथियों, भारत के पास वो संपत्ति है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और वो है भारत की 65% जनसंख्या 35 से कम उम्र की है। हिंदुस्तान नौजवान है, जहां पर 80 करोड़ नौजवान जिस देश के पास हो, 160 करोड़ मजबूत भुजाएं हो, 80 करोड़ सपने हो, वो देश क्या नहीं कर सकता है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी संपत्ति है हमारी, और इसलिए विकास के केंद्र में मेरे दिमाग में ये 80 करोड़ नौजवान है जिनके हाथ में हुनर हो, जिनको रोजगार का अवसर हो, वे मिट्टी में से सोना बनाने की ताकत रखते हैं, और देश सोने की चिड़िया फिर एक बार बन सकता है दोस्तों। ये आत्मविश्वास
उन 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से पनपा है। यह आत्मविश्वास उन 80 करोड़ 35 साल से कम उम्र के नौजवानों की आंखों में से पैदा हुआ है। और मैं विश्वास से कहता हूं, और मैं दुनिया को भी कहता हूं, दुनिया कल्पना करे, प्रगतिशील देश कल्पना करे, समृद्ध देश कल्पना करे, 2030 के बाद उनके पास कितने ही कारखाने होंगे, कितने ही काम होंगे, उनके पास वर्कफोर्स होगा क्या? दुनिया के सभी समृद्ध देशों में उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है, जवानी मुरझा रही है, अर्थात अगर जवानी मुरझा गई तो उस देश को चलाने की ताकत बाहर से लानी पड़ेगी। और पूरे विश्व को 2030 के बाद जो वर्कफोर्स की जरूरत होने वाली है, वो वर्कफोर्स एक ही जगह से मिलने वाला है, उस जगह का नाम है हिंदुस्तान। और इसलिए हम अभी से इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और उसमें हमारी प्राथमिकता है स्किल डेवलपमेंट। हमारा मिशन है स्किल इंडिया। पहले भारत की पहचान थी स्कैम इंडिया। हम बनाना चाहते हैं स्किल इंडिया। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट को हम प्राथमिकता देना चाहते हैं। और स्किल डेवलपमेंट में भी मेरे मन में अलग अलग कल्पना है। एक तो हम अभी से दुनिया का मैपिंग करना चाहते हैं, किस देश को किस प्रकार के मानव बल की आवश्यकता होगी। दुनिया के कई देश हैं जिनको मैथ्स और साइंस के टीचर्स की जरूरत है, दुनिया के कई देश हैं जिनको नर्सिस चाहिए, दुनिया के कई देश हैं जहां हाथ से काम करने वाले कारीगर चाहिए, अलग अलग प्रकार की आवश्यकता है। दुनिया का मैपिंग करके जिसको जिस प्रकार के वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसका हम अनुमान लगाए जा सकता है, उस प्रकार का वर्कफोर्स अभी से तैयार करने के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन। और स्किल डेवलपमेंट में दुनिया में आज जिसके पास बढ़िया से बढ़िया स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्थाएं योजनाएं हैं, उन सबको मैं भारत में लाना चाहता हूं। दूसरा स्किल डेवलपमेंट वो हो जिसमें एंटरप्रेन्योर तैयार हो, नए स्टार्टअप, नई पीढ़ी नए नए व्यवसाय में खुद जुटे, स्वरोजगार में आगे आए, किसी से नौकरी पाने के लिए इंतजार न करे, वो जॉब सीकर न बने, वो जॉब क्रिएटर बने। भले दो को दे नौकरी, पांच को दे, लेकिन वो जॉब क्रिएटर बने। उनके लिए जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, उस पर बल देना चाहता हूं। और तीसरा, जो खुद रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनको जॉब चाहिए, काम चाहिए, उनके लिए उस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट पर बल देकर के, वैल्यू एडिशन करके, और हमारे देश में दुर्भाग्य से कोई कितना ही बदमाश व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन अगर खादी का बढ़िया कुर्ता पहन करके, लंबा कुर्ता पहन करके आ जाए, या कोट पैंट टाई पहन करके आ जाए और अपने घर की घंटी बजाएं, तो हम कहेंगे आइए आइए बैठिए, क्या काम है। लेकिन कोई बेचारा गरीब मजदूर ऑटो रिक्शा वाला कपड़े गंदे हो और वो आकर के घंटी बजाए और पूछे
कि फलाने भाई कहाँ गए, तो हम क्या कहते हैं, अरे चलो चलो टाइम है क्या, चलो भागो शाम को आना। क्यों? हमारे मन में लेबर के प्रति जो डिग्निटी चाहिए उसका अभाव भर गया है। जब तक ये सामान्य व्यक्ति की डिग्निटी, ये हमारा स्वभाव नहीं होगा, डिग्निटी ऑफ लेबर ये हमारी प्रकृति नहीं होगी, तो शायद दुनिया जो हमसे मांग रही है उसको हम गौरव से नहीं कर पाएंगे। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि दुनिया में जिस प्रकार से युवा पीढ़ी को हम देख रहे हैं, भारत की युवा पीढ़ी भी जो भी काम मिले बिना शर्म को संकोच को वो करने को तैयार है। कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं, वो मेहनत करने को तैयार है। ये जनमन बदला है, उसी का परिणाम है। नौजवान का मिजाज बदला है, वो मेहनत करने को तैयार है, वो काम करने को तैयार है। हम उसे अवसर देना चाहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम थोड़ा ऊपर के लेयर का भी सोच सकते हैं। भारत के पास टैलेंट है, टैलेंट में कोई कमी नहीं है। हमारी टैलेंट का सबसे बड़ा सबूत है, भारत ने अभी मंगलयान भेजा, मार्स पर हम गए, और छोटे छोटी जगह पर वो मार्स के जाने वाले सारे पुर्जे तैयार हुए। हिंदुस्तान के 5-6 राज्यों में छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों के एक 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 पुर्जा बना। और हमारे साइंटिस्ट जो हैं, नौजवान हैं, उनकी टैलेंट देखिए, उन्होंने पहुंचा दिया मंगलयान। और दुनिया में हम पहला देश हैं जो पहले ही ट्रायल में सफल हो गए। और मंगलयान में हमारी टैलेंट के कमाल देखिए, हॉलीवुड की फिल्म का जितना खर्चा होता है ना, उससे कम खर्चे में मंगलयान पहुंच गया। आप अगर दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, हैदराबाद में, बेंगलोर में ऑटो रिक्शा में अगर जाते हैं, तो 1 किलोमीटर का करीब 10 रुपया खर्चा आता है। हम मंगलयान की हमारा खर्चा सिर्फ 7 रुपया किलोमीटर आया। मैं कहना यह चाहता हूं कि देश के पास टैलेंट है। क्या कारण है कि आईटी की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवानों ने नाम रोशन किया, कनाडा में भी हिंदुस्तान के आईटी के नौजवान अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, अमेरिका में भी हिंदुस्तान के नौजवान आईटी में अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। उंगलियां तो उनकी है, लेकिन मेरे नौजवान दोस्तों, जवाब हमने खोजना पड़ेगा कि बुद्धि वहां से है, उंगलियां उसकी चल रही हैं, लेकिन गूगल भारत की गोद से पैदा क्यों नहीं होता है? माइक्रोसॉफ्ट भारत की गोद से पैदा क्यों नहीं होता है? MP3 भारत की गोद से पैदा क्यों नहीं होता है? टैलेंट वही है, काम वही कर रहे हैं। मुझे वो माहौल बदलना है, ये हमारे टैलेंटेड यूथ को वो अवसर देना है ताकि वो इनोवेशन करें। आने वाले दिनों में दुनिया को क्या चाहिए, अपने इनोवेशन से दुनिया को दें। और इसलिए छोटे से छोटे काम के लिए, एक मजदूर काम के लिए जिस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट चाहिए, तो हमारे टैलेंटेड यूथ के लिए इनोवेशन के लिए अवसर चाहिए। और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमने इस बार हमारे बजट में एक कार्यक्रम रखा है, AIM, अटल इनोवेशन मिशन।
हम नौजवानों को अवसर देना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि देश को आगे ले जाने के लिए हमारी युवा शक्ति, उनका जो सामर्थ्य है, जो हमारी सबसे बड़ी संपदा है, और यह संपदा सिर्फ भारत के अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के अंदर काम आने वाली संपदा हमारे पास है। भले हमारे पास हीरे की खदानें नहीं होगी, भले हमारे पास गैस के भंडार नहीं होंगे, भले हमारे पास पेट्रोलियम के भंडार नहीं होंगे, नहीं हमें यूरेनियम बाहर से लाना पड़ता होगा, लेकिन हमारे पास जो ताकत है, उस ताकत के भरोसे हम दुनिया में देश की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, ये विश्वास लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें कनाडा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया। मेरी इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हमने फ्रांस में किया, दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय आज हमने कनाडा में किया। बाकी तो बहुत महत्वपूर्ण हुआ है, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं कि जिसके तरफ कुछ लोगों का ध्यान नहीं गया है। पता नहीं मैं वापिस पहुंचूंगा तब जाएगा कि नहीं जाएगा, या तो कहीं और ध्यान अब यह होगा लोगों का, लेकिन हो सकता है कि 4-6 महीने के बाद शायद। फ्रांस में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, वो ये हुआ, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के लिए दुनिया भर से रिएक्टर मांगते थे, हर कोई देश हाथ ऊपर कर देता था, बात चलती थी 2-4 साल, बात चलती थी फिर बात ऊपर हो जाती थी, बहुत लंबे अरसे से विषय पेंडिंग था, कोई देने को तैयार नहीं था क्योंकि सबको लगता है कि कहीं बॉम्ब न बना दे, और जो बनाते हैं उनको कोई रोकता नहीं। रोक पाते भी नहीं। और जो गांधी का देश है, जिसने कभी दुनिया में किसी पर आक्रमण नहीं किया है, जिसने शांति के लिए शहादत मोली है, ऐसे हम लोग हैं, उनको कई वर्ष हो गए रिएक्टर के लिए भटकना पड़ रहा था। इस बार हमने फ्रांस के अंदर एक कंपनी के साथ, भारत की कंपनी का एमओयू हुआ है, और मेरे लिए खुशी की बात है, सबसे बड़ा काम होने वाला है, अब वो रिएक्टर भारत में बनेगा। अब रिएक्टर तो बनेगा, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम चाहिए। और यूरेनियम आपका कनाडा मुझे देगा। पूरी दुनिया पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के कारण परेशान है, क्लाइमेट चेंज की चर्चा है, एयर कंडीशन कमरों में सर्वाधिक एनर्जी का उपयोग करके क्लाइमेट की चर्चा की मीटिंग हुआ करती है। भारत अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में सफल होता है तो दुनिया का 1/6 जिम्मा हम अकेले उठा सकते हैं, और उसमें सबसे बड़ा काम है क्लीन एनर्जी, और उस क्लीन एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी की ताकत बहुत है, और इसलिए हम रिएक्टर बनाएंगे, हम कनाडा से यूरेनियम लेंगे, हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे, और दुनिया को जिस चीज की चिंता है क्लाइमेट चेंज की, उसमें मददगार होने का काम हिंदुस्तान बिड़ा उठाएगा। दोस्तों,
हमारा राष्ट्रध्वज भारत का, भारत के राष्ट्रध्वज में चार रंग है। हम बोलते हैं तिरंगा, रंग चार है, लेकिन वो हमारी विशेषता है। और मैं ये चतुरंगी क्रांति का सपना लेकर के चल रहा हूं। चतुरंगी क्रांति, भारत के तिरंगे झंडे जिसको हम देखते हैं, हम जिसमें कि चार रंग है, सैफ्रॉन है, व्हाइट है, ग्रीन है और बीच में ब्लू है। अशोक चक्र है ब्लू कलर का। मैं चतुरंगी क्रांति करने का सपना देख करके चल रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूं, चतुरंगी क्रांति का सपना देख रहा हूं। सैफ्रॉन केसरिया रंग, अब कुछ लोगों को तो केसरिया रंग का अर्थ भी मालूम नहीं है, वो अपनी मनमर्जी वाले अर्थ करते रहते हैं, वो उनका काम करते रहे। सैफ्रॉन कलर ये ऊर्जा का रंग है, एनर्जी का रंग है। सूर्य का सात घोड़ों का रथ देखते तो सैफ्रॉन कलर का दिखाई देता है। ये ऊर्जा क्रांति करनी है हिंदुस्तान में, और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलार एनर्जी, वीड एनर्जी, बायोमास से बनने वाली एनर्जी, एनर्जी सेविंग, इन सारे विषयों को एक साथ चलाया है। हमारे देश में कुछ तो टर्मिनोलॉजी एकदम से बदल रही है। भारत कभी भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा मेगावाट की करता था कि भाई इतने मेगावाट, इतने मेगावाट। पहली बार देश में गीगावाट की चर्चा होना शुरू हुआ है, वरना हमारा कुछ, अब जैसे क्रिकेट में भी लास्ट के जो बॉलर वगैरह खेलने जाते हैं तो सेंचुरी की कहां चर्चा करते हैं हम। तो मेगावाट के आसपास खेलते थे, पहली बार ये सरकार गीगावाट की परिभाषा लेकर के चल रही है। और 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम जा रहे हैं, 100 गीगावाट सोलार एनर्जी, 75 गीगावाट विंड एनर्जी, ये सपना देखा है। एनर्जी सेविंग, एलईडी बल्ब का एक मूवमेंट खड़ा किया है हमने। स्कूलों में बच्चों को बताते हैं बिजली बचाने के लिए अपने घर में माहौल बनाओ, एलईडी बल्ब और ट्रांसपेरेंसी। आपको जानकर के हैरानी होगी, एक साल पहले जो सरकार थी उस समय 2012-13 के कालखंड में एलईडी का बल्ब सरकार 350 रुपये में लेती थी, 350 कितना कितना कितना, ये सरकार 85 रुपये में लेती है। ये ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है? ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है? भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? ईमानदारी आई कि नहीं आई? ईमानदारी से काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हर छोटी चीज में अगर ध्यान बारीकी से रखा जाए तो बदल लाया जा सकता है। जनमन बदला है दोस्तों, इसलिए परिस्थितियां पलट रही है। दूसरा रिवॉल्यूशन है
व्हाइट रिवॉल्यूशन। हमारे देश में, दुनिया में दूध देने वाले पशुओं की तुलना में हमारे यहां प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। जो काम दो दूध देने वाले पशुओं से होना चाहिए, उतना काम करने के लिए हमको 20 पशु पालने पड़ते हैं, क्योंकि उसका लालन पालन करने के लिए जिन चीजों को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाना चाहिए हम नहीं बढ़ा पाते। गांव का गरीब के पास अगर एक पशु हो तो उसको जिंदगी में कभी देखना न पड़े, इस प्रकार से उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ी है, वैज्ञानिक तौर तरीके कैसे आए और हिंदुस्तान में सेकंड व्हाइट रिवॉल्यूशन कैसे हो, उस पर हम बल दे रहे हैं। और तीसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में वही बात, अब जमीन पहले 5 एकड़ थी, 2 भाई थे, अब 5 एकड़ में 10 भाई हो गए, 2 भाई के बच्चे हो गए, उनके बेटे हो गए, अब 10 उतना बड़ा परिवार 10 बीघा जमीन में कैसे चलेगा? वो परिवार तब चलेगा कि हम सीमित जमीन में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। और इसलिए एक काम हमने उठाया है, सॉइल हेल्थ कार्ड। इंसान की तबीयत के लिए जैसे हेल्थ कार्ड होता है, वैसे धरती माता की तबीयत के लिए भी हेल्थ कार्ड होता है। कहीं हमारी पृथ्वी माँ बीमार तो नहीं है? हमारी पृथ्वी माँ को जो खाना चाहिए वो नहीं खिलाते, कुछ और खिला दिया, ऐसा तो नहीं किया? इस माँ को कैसे बचाएं? और इसलिए हमने अभियान उठाया है धरती माँ की रक्षा करने का, सॉइल हेल्थ कार्ड का मिशन चलाया है। पानी बचाओ, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा जिम्मा और बनने वाला है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से फसल कैसे ज्यादा पैदा हो, उस पर हम बल देना चाहते हैं। जो पैदा हो उसका वैल्यूएडिशन कैसे हो, मूल्य वृद्धि कैसे हो, किसान का माल फॉरवर्ड लिंकेज कैसे उसको मिले, ग्रीन रिवॉल्यूशन। और हिंदुस्तान में सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए भारत का जो पूर्वी हिंदुस्तान है, जिसकी हर बार चर्चा होती है तो गरीबी के नाम पर होती है, वो सबसे समृद्ध बन सकता है। चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, जहां विपुल मात्रा में पानी है। और इसलिए हमारा फोकस है सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, और स्पेशल फोकस है ये हिंदुस्तान की पूर्वी काले इलाके में, वहां के किसान और गांव की जिंदगी को बदलना है। और चौथा है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू क्रांति करनी है। और ब्लू रिवॉल्यूशन जब मैं कहता हूं, तब एक नीला आसमान, क्लीन नीला आसमान, पर्यावरण के संकटों से मुक्त नीला आसमान, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की पूरी चिंता करते हुए नीला आसमान, और मैं मैन्युफैक्चरिंग में कहता हूं जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। जो पैदा करे उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, और ऐसे पैदा करे कि एनवायरमेंट पर इफेक्ट ना हो। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, नीला आसमान। और दूसरा नीला समंदर के पानी का रंग। नीला आसमान भी चाहिए, वो भी रिवॉल्यूशन करना है, और समुद्रिक शक्ति का भी रिवॉल्यूशन होना चाहिए। मेरे मछुआरे, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए। समंदर के अंदर प्राकृतिक संपदा पड़ी है, गैस और पेट्रोलियम के भंडार पड़े हैं। ये प्राकृतिक संपदा का सर्वाधिक उपयोग मानव जात के लिए कैसे हो, ब्लू रिवॉल्यूशन करना है। तो सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, जल थल नभ, सब कुछ। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास की उन नई नई ऊंचाइयों को पार कर रहे हैं आप कनाडा के भाइयों बहनों,
कुछ बातें हैं जो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। ओसीआई और पीआईओ, मैंने जब मेडिसन स्क्वायर पर बोल रहा था, मैंने वादा किया था इन दोनों को मर्ज कर देंगे, वो काम पूरा कर दिया है। और हर किसी को पीआईओ कार्ड हो वो ओसीआई की तरह ही उसको सारी सुविधाएं दी जाएगी। दूसरी बात है, ओसीआई पूरे जीवन के लिए मिलेगा, पहले वो सिर्फ 15 साल के लिए था। और आपको पता होगा, आप में से जो बड़ी आयु के लोग वहां आकर के रहते होंगे छुट्टियों में, तो हमारे यहाँ नियम था उसको हर 15 दिन में एक बार पुलिस थाने में जाकर के बताना पड़ता था कि मैं वही हूं और कुछ गलत नहीं करता हूं। मुझे बताइए, आप पर मुझे भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जनमन बदला है दोस्तों, और इसलिए हमने तय किया है ये ओसीआई कार्ड वालों को पुलिस थाने में हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है। ओसीआई को चार पीढ़ी तक विदेश गए हुए लोग, अब उनको इसमें समाविष्ट कर दिया गया है। चार पीढ़ी तक को स्वीकार कर लिया गया है। कुछ जगह पे अभी कुछ चीजें प्रोसेस में हैं, आने वाले 5-6 महीने में सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी। एक ई पोर्टल हमने शुरू किया है जिसका आप फायदा ले सकते हैं। ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, फीडबैक, ये सारी चीजें ई पोर्टल के अंदर है। मदद, ई पोर्टल का नाम है मदद, आप उसका सब उपयोग कर सकते हैं। एक ई माइग्रेट पोर्टल शुरू किया है जिसके द्वारा भी आपको कोई शिकायत हो, कोई कठिनाई हो, तो इमिग्रेशन ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप उसी के द्वारा अपना काम कर सकते हैं, आपका समय बच सकता है। तो जो भारत के बाहर रहने वाले लोग हैं जिनको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने हैं, वे ई माइग्रेशन इस व्यवस्था के तहत कर सकते हैं। आपने देखा है कि दुनिया में कुछ न कुछ देशों में संकट चलते रहते हैं, और हमारे भारतीय भाई बहन बड़े उदार रहते हैं। उनको हम समझाते हैं कि भाई निकलो, मुसीबत आ रही है, तो उसको लगता है नहीं नहीं तो अच्छे लोग हैं, हमें कुछ नहीं होगा, और वो निकलते नहीं है। हम यमन में जनवरी महीने से कह रहे थे कि भाई निकलो निकलो निकलो, नहीं निकले। आखिरकार हमें अभी निकालना पड़ा, 4,000 लोगों को मुश्किल से लेके आए। पिछले 10 महीने में वेस्ट एशिया में जो मुसीबतें आई हैं उसके कारण करीब 17,000 भारतीयों को सुरक्षित बचा करके वापस लाने का काम किया है। और देशवासियों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, संकट की घड़ी में हम पासपोर्ट के रंग नहीं देखते हैं। अपनों के लिए जो भी करना पड़ता है पूरी शक्ति लगाकर करते हैं। लेकिन विश्व में रहने वाले भारतीयों से भी हमारा आग्रह रहेगा कि हम संकटों में फंसे नहीं, समय रहते हम जागरूकता पूर्वक अपने विषयों को आगे बढ़ाएं तो अच्छा होगा। पहली बार हमने प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग बनाया है, और नीति आयोग में एक पैराग्राफ प्रवासी भारतीयों को भी एक शक्ति के रूप में माना गया है, वो भी एक बहुत बड़ी भारत की विकास की ताकत है, और उसके लिए भी भारत ने सोचते रहना चाहिए। ये पहली बार
एक स्पेसिफिक काम उनके लिए तय किया है, उसके चार्टर में इसको लिखा गया है। कनाडा के मित्रों के लिए खुशखबरी है, इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीजा इसकी व्यवस्था हमने कर दी है, बहुत ही जल्द आप उसको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, मुझे मालूम है आप बोलेंगे नहीं, लेकिन कभी कभी आपको भी वीजा लेने में तकलीफ पड़ती है, पड़ती है ना। अब हमने तय किया है 10 साल के लिए देंगे, अगर जनमन बदला है तो भरोसा भी बढ़ना चाहिए, और भरोसे से दुनिया चलती है मेरे यारों, और उसको लेकर के हम चलने वाले हैं और हम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, काफी लंबी बातें कर ली आपसे, मुझे आनंद आया, आपने स्वागत किया, सम्मान किया। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हमारा देश, हम जो भी पढ़े हैं, जो भी अनुभव पाया है, दुनिया में कहीं से भी जो डिसिप्लिन सीखे हैं, जो भी अच्छा है हमारे पास कहीं से भी मिला हो, वो हमारे देश के लिए भी काम आना चाहिए, हमारे देश के उन गरीबों के लिए भी काम आना चाहिए। जो हमारे लोग यहां आए हैं, हम ये न भूले कि आज जो हम पहुंचे हैं जहां पर, उसके मूल में किसी न किसी गरीब ने हमारे लिए कुछ न कुछ तो छोड़ा होगा, किसी ने कष्ट झेला होगा, तब हमारी जिंदगी बनी है। मानवता का यही तो तकाजा है कि जिन्होंने हमें दिया है, हमें उनको भी तो कुछ लौटाना है, और इसलिए उस बात को लेकर के आप चलें, भारत के प्रति हमारी भक्ति अपरंपार बनी रहे। मैं फिर एक बार, कनाडा ने मेरा जो स्वागत किया, सम्मान किया, प्रधानमंत्री जी ने इतना समय दिया, उनके मंत्रिपरिषद के इतने वरिष्ठ लोग आकर के बैठे, यहाँ के सभी सांसद आकर के बैठे, मैं उनका सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कनाडा और भारत की दोस्ती, कनाडा और भारत की दोस्ती एक ऐसी युति है जो शक्तियों को संवर्धन करती है, और ये ऐसी शक्ति है, अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आता है, लेकिन मान लीजिए ए प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करें तो, ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करें तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स्ट्रा टू ए बी मिलता है कि नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा टू ए बी कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा टू ए बी निकलता है। ये हमारी ताकत है, उस ताकत को लेकर के आगे बढ़े, इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और समाज के सब लोगों ने मेरा इतना सम्मान किया, आशीर्वाद दिए, मैं सदा सर्वदा आपके इस प्रेम को याद रखूंगा, आपके आशीर्वाद की ताकत को याद रखूंगा। मैं आपको सबको वंदन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज हिंदुस्तान तक जानी चाहिए, भारत माता की, 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 भारत माता की।